हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि मैं वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने यूके में जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्किल्ड वर्क वीज़ा क्या है, आपने कैसे अप्लाई करना है, प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, एप्लीकेशन फीस कितनी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने जॉब्स अप्लाई कैसे करनी है, क्योंकि आप में से कहीं को पहले ही पता होगा कि आपको यहाँ पर वीज़ा अप्लाई करने के लिए, स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए है स्पॉन्सरशिप लेटर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे जॉब्स अप्लाई करनी है और कैसे आप वो स्पॉन्सरशिप लेटर ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो गाइस, चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लासडोर के बारे में। इस वेबसाइट का नाम है glassdoor.co.uk। आपने इस वेबसाइट पे जाना है और सर्च में आपने लिखना है वीज़ा स्पॉन्सरशिप और लोकेशन में आपने लिखना है यूनाइटेड किंगडम। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप यहाँ सिटीज़ का नाम मेंशन ना करें, जैसे लंदन, बर्मिंगम, मैनचेस्टर, लिवरपूल, क्योंकि उससे आपकी जो सर्च है वो बहुत नैरो हो जाएगी। तो आप कंट्री का नाम मेंशन करें, यूनाइटेड किंगडम, सर्च करें और देखें क्या एड्स आते हैं। ये हमारी सर्च हमारे सामने आ चुकी है। तो पहले ही ऐड की बात कर लेते हैं जो है स्टाफ नर्स RGN। तो इसमें आपने जिस ऐड पर भी क्लिक करना है उसकी आपने डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्पॉन्सरशिप होती है वो सिर्फ उनके लिए होती है जो पहले से यूके में मौजूद हैं किसी और वीज़ा पे, सच एज स्टूडेंट वीज़ा पे या कोई भी और वीज़ा पे। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है स्पॉन्सर लाइसेंस एंड अकोमोडेशन अवेलेबल इफ़ नीडेड, तो ये अच्छी खबर है। इसके बाद अब अगले ऐड पे क्लिक करें, अगले ऐड को भी आप उसी तरीके से देखें अगर इस पे स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है इंटरनेशनल वर्कर के लिए या नहीं। तो इसमें ऐड में देख लेते हैं वीज़ा स्पॉन्सरशिप फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग आउटसाइड यूके। तो ये बेस्ट है, आपने इस तरह के एड्स ढूंढने हैं जिसमें आउटसाइड यूके आपको स्पॉन्सरशिप मिल सके। आपको जब ऐड मिल जाए आपने अप्लाई पे क्लिक करना है और आपने जाके अप्लाई कर देना है। इसी तरह से आप अपनी फील्ड को नैरो डाउन भी कर सकते हैं, आप अपनी फील्ड को सर्च कर सकते हैं। अगर आपकी आईटी की फील्ड है आप कॉमा डाल के आईटी लिख सकते हैं, या आप बिज़नेस डेवलपमेंट लिख सकते हैं, आप मेडिकल लिख सकते हैं। तो आप अपनी फील्ड के हिसाब से इसको नैरो डाउन भी कर सकते हैं। तो अब आगे बात कर लेते हैं इंडीड के बारे में। ये भी बहुत ही सिमिलर वेबसाइट है जैसे कि ग्लासडोर है। इसमें भी आपने वीज़ा स्पॉन्सरशिप लिखना है, सिटी में आपने लिखना है यूनाइटेड किंगडम और आपने सर्च कर लेना है। तो ये हमारी सर्च है, इसमें भी आपने ऐड पे क्लिक करना है और आपने देखना है कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है या नहीं। तो वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल फॉर राइट कैंडिडेट्स, और इसी तरह से आप एड्स पर क्लिक करते जाएं, डिस्क्रिप्शन देखते जाएं। बट आपने डिस्क्रिप्शन मस्ट पढ़नी है, इसमें आप सैलरी, लोकेशन और स्टार्ट डेट सब कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस वेबसाइट की जो कि है uktierspons.co.uk। ये मेरी फेवरेट वेबसाइट है क्योंकि यहाँ पर आपको वो सारी कंपनीज़ मिलेंगी जो इस वक्त रजिस्टर्ड हैं यूके में, जो इंटरनेशनल वर्कर को स्पॉन्सर कर सकती हैं। तो आप यहाँ कंपनी का नाम देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप उनका मेन टियर चेक कर सकते हैं, ए रेटिंग, जो ए रेटिंग वाली होती हैं उनमें बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपको वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। यहाँ आप डेट भी चेक कर सकते हैं कि वो कब ऐड हुई थी इस वेबसाइट पे। अगर आप चाहें तो फ़िल्टर लगाकर अपनी फील्ड के हिसाब से इसको नैरो डाउन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो मेडिकल फील्ड में हायर कर रही हैं। और गाइज, इस वक्त यूके में मेडिकल फील्ड में बहुत कंपनीज़ हायर कर रही हैं, बहुत वीज़ा इशू हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज है नर्सेज की, मिडवाइफ, मेडिकल रिलेटेड स्टाफ, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट। तो अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बहुत कंपनीज़ हैं जो इस फील्ड में हायर कर रही हैं। इसके अलावा आप और भी फील्ड्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, केयर होम, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन। केयर होम पे मैं अपनी एक वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। ये वॉलंट्री वर्क है, इसमें आपको एक साल का वीज़ा मिलता है। तो लास्टली अब बात कर लेते हैं जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पे आपने जाके वीज़ा अप्लाई करना है। तो ये वो वेबसाइट है गवर्नमेंट की जहाँ पे आपने जाना है स्किल्ड वर्क वीज़ा। यहाँ पे आप और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इंग्लिश का टेस्ट है, लेकिन इन दी एंड आपने यहाँ जाना है और आपने यहाँ पे स्टार्ट नाउ का बटन दबाकर आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज़ जब आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देती हैं उसमें हर चीज़ स्पेसिफाई होती है, और मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज़ जो स्पॉन्सरशिप दे रही हैं उनका एक डिपार्टमेंट जो आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करता है पूरे प्रोसेस में। तो अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाए उसके बाद का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। चलें, ये था वो प्रोसेस जिससे आप यूके में जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया इंडीड, ग्लासडोर, आप लिंक्डइन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर नहीं दिखाया क्योंकि मेरी प्रोफाइल नहीं है, लेकिन अगर आपकी लिंक्डइन पर भी प्रोफाइल है आप लिंक्डइन पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर जॉब्स पर क्लिक करके इसी तरह से आप स्पॉन्सर्ड वीज़ा या वीज़ा स्पॉन्सरशिप लिख कर आप जॉब सर्च कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लेरिफिकेशन मिली होगी, काफ़ी हेल्प मिली होगी कि आप यूके में कैसे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भूलिएगा मत। अभी के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।